वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनम आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा हेल्पफुल वीडियो जिसे हम हर लड़की एक ना एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर सर्च करते हैं, तो वो है एक अच्छा सा स्ट्रेटनर। तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा कौन सा स्ट्रेटनर लें जो हमारे बाल को अच्छा सा शाइन दे और अच्छा सा एक टेक्सचर प्रोवाइड करे, एक अच्छा सा बाल ज़्यादा डैमेज ना करे। तो हम हमेशा इस टाइप का स्ट्रेटनर में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और जो आपके प्रोफेशनल तरीके से भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ज़्यादातर हम जब सर्च करते हैं तो हमारा जो सर्च होता है वो होता है इसलिए परमानेंट स्ट्रेटनिंग, तो उसके लिए भी वो मशीन बहुत हेल्पफुल होना चाहिए। ऐसा मशीन होना चाहिए, हर किसी स्ट्रेटनर से आप स्ट्रेटनिंग परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकते हो बिल्कुल। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल रेंज का स्ट्रेटनर चाहिए होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए वैसा ही एक रिव्यू लेके आई हूँ ऐसे स्ट्रेटनर का, जो आप लोग उसे प्रोफेशनल परमानेंट स्ट्रेटनर के तौर पे यूज़ कर सकती हैं और पर्सनली भी उसे यूज़ कर सकती हैं। और वो एक बहुत ही नोन ब्रांड है। तो जी हाँ, तो मैंने आज ये आइकॉनिक का प्रो स्ट्रेटनर का मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आई हूँ। तो बहुत ही नोन ब्रांड है और हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इसका जो इसमें कैटेगरी है आइकॉनिक का वो है प्रो स्ट्रेट। थोड़ा सा ये जो प्लेट हो वो थोड़ा चौड़ा हो और हमारे लिए हेल्पफुल हो, तो इस टाइप का ये स्ट्रेटनर है। तो ये प्रो स्ट्रेट है, ग्लैम आता है इसमें, एक आपका टाइटेनियम का आता है, तो वो टाइटेनियम सबसे सुपर होता है, तो वो अभी आप खरीद सकती हैं। और इससे एक नीचे कैटेगरी का आता है वो है ग्लैम, तो आप उसको भी बाय कर सकती हैं। और ये स्ट्रेटनर जो है सेरेमिक है, कैसे रिसीव हुआ था, तो इसका जो पैकेट है इस टाइप का है बाहर से, और ये आपको ऐसे एक बॉक्स के अंदर केस जैसा बना हुआ रहता है। और ये देखिए कितना प्यारा सा केस है, और ये देखिए, और ये ऐसे खुलता है, तो ये आपका ऐसा स्ट्रेटनर है और ये आपका ऐसे खुलता है और ये इसके अंदर ऐसे दिया हुआ रहता है। ये डब्बा होता है, इसके अंदर इसको निकाल के तो ऐसे आपको मिलेगा। तो इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर हमें मिलता है एक इनका मैनुअल, इसमें स्पेसिफिकेशन होता है और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और ये आपका ये वारंटी कार्ड, इसे एक्टिवेट करा सकते हैं आप इसको स्कैन करके। और ये आपको कुछ दो ये है कवर जैसा मिलेगा। तो ये किस लिए यूज़ होता है मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले मैं आपको स्ट्रेटनर दिखा दूँ। ये जो स्ट्रेटनर है कुछ इस तरह से मुझे रिसीव हुआ था, यस। तो ये है अपना आइकॉनिक का प्रो स्ट्रेट, और देखने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही लग्जरी सा फील देता है, जैसे इसकी पैकेजिंग थी। और ये देखिए, ये यहाँ पे 360 रोटेटेबल है इसका वायर, और ये करीब 3 से 3.5 मीटर का ये वायर होगा। आपको लगाने के लिए इस टाइप का ये दिया हुआ रहता भी है। और यहाँ पे देखिए, इसका मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप इसका देख रहे हो, ये है आपका लॉक वाला, जो ये है ना, ये लॉक करता है और ओपन करता है। तो ये यहाँ पे मैंने पुश किया पीछे के तरफ, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। और मैं इसको आगे के तरफ करती हूँ तो ये बंद हो गया, मतलब क्लोज हो गया। आप इसे रख सकते हो पे प्रोडक्ट पे। तो ये है कुछ इस टाइप का, और ये देखिए यहाँ पे इसका पावर बटन है ऑन ऑफ का, और ये आपका यहाँ पे प्लस और ये माइनस है, और ये यहाँ पे आपका टेम्परेचर दिखाता है कि कितने टेम्परेचर में आपका रखा हुआ है या ये स्ट्रेटनर है। तो ये इस टाइप का है, और ये मैं खोल के दिखाती हूँ। ये एक सेरेमिक प्लेट है जो आपको प्रोफेशनली यूज़ करने के लिए सेरेमिक प्लेट का ज़रूरत होता है। तो ये करीब 1.5 इंच का ये थिकनेस है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। लेकिन एक जो मुझे इसमें कमी नज़र आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जब हम स्ट्रेट करते हैं तो ये जो प्लेट है ना, हमें एकदम चिपका हुआ होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको सफ़र करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके आपको स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये आप जब तक इसको ऐसे पूरी तरह से ऐसे ना करो ना, तब तक वो जो आप अगर प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हो परमानेंट स्ट्रेटनिंग में, तो मतलब ऐसे ही रखोगे ना, तो देखो इसके अंदर आपको गैप सा दिखेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्टी है, आई डोंट नो कि मेरा ये ऐसा मतलब मुझे रिसीव हुआ है या फिर ऐसा ही है ये,
लेकिन मुझे जो रिसीव हुआ है वो इसी टाइप का है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इसको स्ट्रेट करना होगा। बाकी मैं आपको रिजल्ट आपको मतलब दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये वायर है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। उससे पहले मैंने जो बात किया था ना कि ये दो जो कवर है, तो जब हम ना बहुत देर तक मशीन यूज़ करते हैं तो ये जो है ना दोनों साइड जहाँ पे हम ये होल्डिंग हमारा होता है, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये ऊपर के साइड और ये ऊपर के सॉरी ये ऊपर के साइड और ये नीचे के साइड जो होल्डिंग वाला होता है ना सिस्टम, वो यहाँ पे ऐसे हम जब प्रेस करते हैं तो धीरे धीरे अगर ये मशीन ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये हीट आने लगता है। तो ये हीट से बचाने के लिए ये जो थंब वाला आप देख रहे हैं ना, तो ये आई थिंक यहाँ नीचे के लिए दिया हुआ रहता है, थंब वाला यहाँ पे नीचे के लिए लगाने के लिए दिया रहता है, और ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप का वो आप ग्रिप के लिए ऊपर के लिए दिया हुआ रहता है। तो आप उसको लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ ऐसे कंफर्ट फील होता है आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो दो कवर आया है इसका यही यूज़ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं इसको लगा के। तो चलिए मैं आपको इसको लगाती हूँ, यूज़ करके बताती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि आप इसे 230 तक यूज़ कर सकती हैं, शायद आप लोगों को ना दिखे। तो यहाँ से मैंने पावर बटन दबाया और ये देखिए ग्रीन लाइट जो है इंडिकेट होने लगी। तो ये अभी मिनिमम पे है, जैसे मिनिमम इसका है 150, ठीक है। फिर मैं ज़्यादा बढ़ाती जाऊँगी तो 170, 190, 210, फिर 230, ठीक है। इतने हिसाब से आप आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। तो मैं चलिए 210 पे इसको दिखाती हूँ। तो ये देख रहे 200 पे, मैंने 210 पे जैसे ही डाला है टेम्परेचर, ये यहाँ पे जो प्लस का साइन है ना इसको दबाते हैं आप तो ऊपर की तरफ ये बढ़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 210 पे जैसे ही दबाते हो तो ये ब्लिंक कर रहा है। तो ब्लिंक करने का मतलब कि ये टेम्परेचर अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो यहाँ तक जब पहुँच जाता है तो ये जो इंडिकेटर है ना वो स्टिक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टिक हो गया और ये 30 सेकेंड भी नहीं लगाता है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत जल्दी हीट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐसे होल्ड किया और ऐसे प्रेस किया और ऐसे मैं इसको यूज़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक कर्ल किया हुआ है और इसको मैं दिखाती हूँ कि क्या इसका रिजल्ट है, ठीक है। 210 पे मैंने किया हुआ है इसका टेम्परेचर, आप इसे चाहे तो थिन हेयर पे कम पे यूज़ कीजिएगा। और ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, तो देखिए कितना अच्छा सा स्ट्रेट हो गया। देखें आप, मैंने एकदम तुरंत ही खींच दिया, ठीक है। आप इसको बहुत ही अच्छा टच देना चाहें तो आप इसको ऐसे पकड़ कॉम करके आप डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा से आपका वो रिजल्ट आएगा। तो आप इसको ऐसे पकड़ के एंड देन कॉम लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने बहुत ही फटाफट से किया, तो देख रहे हैं आप एक अलग सा शाइन है इस बालों में और स्ट्रेट तो बिल्कुल ही पोकर स्ट्रेट करता है ये। तो मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ पहले। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसने स्ट्रेट कर दिया। तो ऐसा ही आप प्रोफेशनल टाइप से करोगे, तो अगर प्रोफेशनली इसे यूज़ करोगे तो आप इसी को 4-5 बार यूज़ करते हो तो इसमें शाइन आता जाता है, ठीक है। आपके बालों को ये बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, हाँ। तो मतलब डैमेज तो थोड़ा बहुत हीट है तो डैमेज तो करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि जब हम नॉन ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनली यूज़ नहीं होता है, जैसे अभी मार्केट में बहुत सारा स्ट्रेटनर अवेलेबल है, आपका कम रेंज में भी अवेलेबल है और आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट भी देता है, तो वो आपके बालों को डैमेज भी करता है बिल्कुल। तो और उससे आप प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर सकती। आपका जो परमानेंट स्ट्रेटनर के लिए आप अगर एक सर्च कर रहे हैं अच्छे स्ट्रेटनर का, आप बेस्ट स्ट्रेटनर ढूंढ रहे हैं, तो आप आइकॉनिक का लें। आइकॉनिक का आपका बेस्ट है और आप इसको प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, तो आप इसे बिल्कुल बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो और बहुत सारे लोग जो हमारी लेडीज़ हैं और गर्ल्स हैं हमेशा ही इन सब चीज़ों को सर्च करती हैं और पज़ल्ड रहती हैं, तो ये वीडियो आई होप कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।